सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओनली यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट के। और आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु है, तो कितनी आयु है? 16 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट, बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह है, ठीक है, जो नहीं करता है निगेटिव, ठीक है, तो कौन सा नहीं करता है? वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किसके विचार से शेष अवस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है, तो किसके विचार हैं? फ्रायड के, ठीक है, याद रख लेना आप। नेक्स्ट देखते हैं, रोस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, ऐसे होना चाहिए कि रोस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है, तो कितना किया है? 12 से 18 वर्ष तक, ठीक है। आगे देखते हैं, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, देखो जो नहीं है निगेटिव पूछा है यहाँ पे, ठीक है, तो कौन सी नहीं है? मानसिक विकास, ठीक है। नेक्स्ट, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सबसे बनता होगा, ठीक है, तो कौन सा है वो? किशोरावस्था, ठीक है, कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। आगे देखते हैं, उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? आंसर, तो कब होता है? 6 से 12 वर्ष तक, ठीक है। नेक्स्ट, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, जो नहीं है, ठीक है, निगेटिव, जो नहीं है वो बताना है, तो कौन सी नहीं है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व, ठीक है। नेक्स्ट, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, ठीक है, किस अवस्था में होता है? तो किस में होता है? किशोरावस्था में सबसे तीव्र परिवर्तन होते हैं, ठीक है, याद रख लेना आप। नेक्स्ट है, फिर विकासवाद के समर्थक है तो कौन है? डीके एवं बुश, गार्टन और डार्विन, ये सभी विकासवाद के समर्थक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विकास का तात्पर्य है, आंसर, वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एज ऑफ पबर्टी कहलाता है, तो क्या कहलाता है? पूर्ण किशोरावस्था, ठीक है। नेक्स्ट, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिवृद्धि, ठीक है। आगे देखते हैं, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है, तो कहाँ से होती है? जो बालक की विकास की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो वो होती है हमारी जन्म से पूर्व, ठीक है, जन्म से पहले ही हमारे उसमें विकास होने लगता है, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन है, तो यह कथन किसका है? हर लोग का, ठीक है, याद रख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं, आंसर कौन कौन सी है? शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, बहुत ही जीने तो सबसे आता होगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तित्व विभिन्नताएं होती है, यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में है? आंसर किसका है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ठीक है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मनोविश्लेषणवाद के जनक थे तो कौन थे? फ्रायर, ठीक है, याद रख लेना आप इसको। नेक्स्ट, मुझे बालक दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा ही बना दूंगा, यह कहा था, तो किसने कहा था? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको आप याद कर लेना, ठीक है, तो किसने कहा था? वाटसन ने, ठीक है, वाटसन ने बोला था ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियाँ हैं, तो कौन सी है?
चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, ठीक है। नेक्स्ट, इड ईगो एवं सुपर ईगो को मानव की संरचना का अभिन्न भाग मानता है, तो कौन मानता है? फ्रायड, ठीक है। नेक्स्ट, केवल दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति है, मृत्यु एवं जीवन, यह विचार है, तो किसका है यह विचार? फ्रायड का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि, आंसर, वातावरण जिसमें वह रहता है स्वस्थ हो, ठीक है। जिस वातावरण में वह रहता है वह क्या हो? स्वस्थ हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है? आंसर, समस्त प्राणियों में पाई जाती है, यह जन्मजात एवं प्रकृति पद्धत होती है, ठीक है। नेक्स्ट, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिवृद्धि, ठीक है, याद रख लेना आप। नेक्स्ट देखते हैं, विकास का अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है विकास का? आंसर, वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, ठीक है, विकास कहलाता है। ये पहले भी क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, संवेग शरीर की वह जटिल दशा है जिसमें श्वास, नाड़ी तंत्र, ग्रंथियां, मानसिक स्थिति, उत्तेजना और बोध आदि का अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा पेशियां निर्दिष्ट व्यवहार करने लगती है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है आपको ये बताना है, तो किसने दिया यह कथन? ग्रीन का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने के समय में प्रभावित किया है, यह परिभाषा है, तो किसकी है यह परिभाषा? वुडवर्थ की, ठीक है। ये सभी परिभाषा आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं परिभाषाएं, ठीक है। नेक्स्ट, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, ठीक है, यह कथन है, तो किसका यह कथन? हर लोग का, ठीक है, यह विचार हर लोग ने दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शैक्षिक दृष्टि से बालक के विकास की अवस्थाएं हैं, तो शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तो बहुत ही जी क्वेश्चन है, बहुत ही, ठीक है, सबसे बनता होगा। नेक्स्ट देखते हैं फिर, शेषावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? आंसर, तो क्या है? मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार, ठीक है, मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शेषावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है, तो कैसा होता है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, ठीक है। नेक्स्ट, बाल्यावस्था का समय है, आंसर, तो क्या है? 5 से 12 वर्ष तक, ठीक है। नेक्स्ट, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? आंसर, सामूहिकता की भावना, ठीक है। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है, तो कैसा होता है बाल्यावस्था में? बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ठीक है, बाहरी होता है, ठीक है, बाल्यावस्था में बालक का जो व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी, ठीक है, बाहरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर, विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है, यह कथन है, तो किसका है यह कथन? हरलोक का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? आंसर, ग्रीन का, ठीक है। नेक्स्ट, पर्यावरण भारी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, यह विचार है, तो यह विचार किसका है? किसका यह विचार?
रोज़ का, ठीक है, याद रख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और तो चलिए यहीं पर क्लोज करते हैं, फिर आएंगे आगे नई वीडियो के साथ, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।